स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इस सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, इफ देखिए कंडीशन आप लिखेंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। ये इंप्लाइज करेगा इंप्लाइज दैट x n x inverse belongs to n। यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि x n x inverse जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, n का होगा, तब हम कहते हैं कि n एक सब ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या हुई डेफिनेशन, ए सब ग्रुप यानी एक सब ग्रुप n जिसको हमने n कहा ऑफ ए ग्रुप जी, इसे क्या कहते हैं, सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। कब, इफ, मेन फॉर्मूला ये है, यानी एन एक सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, केवल ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारी एक प्रॉपर्टी और होती है, इसी में हम ये कह सकते हैं, क्या ये तो हमने एलिमेंट के लिए कहा, अगर हम ये कहें कि एक्स एन एक्स इनवर्स, ये एन इस एन का एलिमेंट है, ये एन क्या है, सब ग्रुप है, तो एक्स एन एक्स इनवर्स अगर ये सबसेट हो एन का, तब भी हम कहेंगे कि जो एन है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई नॉर्मल सब ग्रुप की। अब हम इस पर डिपेंड देखिए एक थ्योरम सॉल्व करते हैं। क्या है थ्योरम, द इंटरसेक्शन of two normal subgroup of a group is normal subgroup। देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, यानी दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, नॉर्मल ही होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे, हमने ऐसी थ्योरम एक सब ग्रुप के लिए भी प्रूफ की है, प्रोसेस वही है, केवल फार्मूला चेंज होगा। क्या, लेट एन वन एंड एन टू आर टू सब ग्रुप, टू नॉर्मल सब ग्रुप
नॉर्मल है इसलिए एन से लिखा है, सब ग्रुप होता तब हम एच से लिखते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एन वन एन टू क्या है, दो नॉर्मल सब ग्रुप है। हमें क्या प्रूव करना है, थ्योरम के अकॉर्डिंग बी टू प्रूव दैट एन वन इंटरसेक्शन एन टू ये सिंबल होता है दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होगा, इज अगेन नॉर्मल। ये हमें प्रूव करना है, देखिए कैसे। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है, ना हम एक एलिमेंट लेते हैं किसका जी का, एंड एक एलिमेंट लेते हैं बिलोंग्स टू, लेने का मतलब एन बिलोंग्स टू एन वन इंटरसेक्शन एन टू, एन एलिमेंट इसका है इंटरसेक्शन का और एक्स एलिमेंट जी का है। तो एन इंटरसेक्शन एन वन ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अगर एन जो एलिमेंट है वो एन वन इंटरसेक्शन एन टू में है तब ये इम्प्लाइज होगा कि एन एन वन का होगा, यानी एन बिलोंग्स टू एन वन एंड एन बिलोंग्स टू एन टू, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब कॉमन मीन्स दोनों सेट में होते हैं, जैसे कि एन वन और एन टू दोनों के इंटरसेक्शन में ये जब ही होगा जब ये दोनों होगा, मतलब एन वन का एलिमेंट भी होगा और एन टू का एलिमेंट भी होगा, ठीक है। अब हम एन एलिमेंट है एन वन का, एक्स एलिमेंट है जी का, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स एन वन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू, सॉरी एन वन नहीं एन, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन वन, क्यों, क्योंकि एन वन इज नॉर्मल। अगर एन वन नॉर्मल है तो नॉर्मल का फॉर्मूला यही होता है एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन वन, क्योंकि डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की क्या, कि यदि एक्स एलिमेंट जी का हो और एन एलिमेंट एन का हो तो एक्स एन एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट होगा एन का, ठीक वैसे ही एक्स सॉरी एन एलिमेंट है एन वन का एक्स जी का तो एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू किसका होगा एन वन का, क्यों, क्योंकि एन वन एक नॉर्मल सब ग्रुप है। सिमिलरली x belongs to g और x belongs sorry n belongs to n जो एलिमेंट है वो n2 का भी है, n1 का भी है n2 का, तो n2 के लिए भी हम फॉर्मूला लिखें x n x इनवर्स belongs to n2, इसको हम वन नंबर दे दें इसको हम टू नंबर दे दें, ये क्यों होगा, क्योंकि n2 is नॉर्मल सब ग्रुप।
देखिए अब हमारे पास क्या है y इक्वेशन वन एंड टू, x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n एंड x n x इनवर्स बिलोंग्स टू n टू। देख सकते हो ये एलिमेंट n वन का भी है और यही एलिमेंट n टू का भी है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन की यही तो डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट दोनों सेट में होता है यानी कॉमन होता है तब वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी होता है। तो ये हमने देखिए शो कर दिया कि एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन वन का है एंड एक्स एन एक्स इनवर्स एन टू का भी है, क्योंकि यहाँ से देखिए रिलेशन वन और रिलेशन टू, तो ये दोनों कंबाइंडली ये इम्प्लाइज करेंगे कि एक्स एन एक्स इनवर्स किसका हो गया एन वन इंटरसेक्शन एन टू का, तो ये यही तो नॉर्मल की कंडीशन है। हेंस एन वन इंटरसेक्शन एन टू इज क्या है नॉर्मल, यही प्रूफ करना था। तो जिसको हमें नॉर्मल प्रूफ करना है हमें किसको करना था एन वन इंटरसेक्शन एन टू, देखिए थ्योरम आप देख लीजिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप, हमने लेट किए टू नॉर्मल सब ग्रुप एन वन एन टू, तो इनका इंटरसेक्शन यही हुआ ना एन वन इंटरसेक्शन एन टू, और ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन है कि इस टाइप का कोई एलिमेंट किसी सब ग्रुप को क्या करेगा बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि ये जो है नॉर्मल